Hi guys, welcome back to my channel Beautylicious once again. And I know it's been so long that I haven't posted anything on my channel, but up till I'll try to be more consistent with my work. Okay, let's get started with our video. So this time Meesho se again I bought fake nails ka set, but this time maine French tips ke nails order kare hain. Iske sath ye glue aati hai, matlab ye combo hai dono ka, jisme aapko ek glue aur 100 pieces ke French tips fake nails milte hain. Again packaging ki baat kari jaye bahut kharab thi, kyunki of course yaar मतलब 165 रुपीज़ आई पेड फॉर इट, उसमें क्या ही मिलेगा. तो कुछ इस पैकेजिंग में ये आता है, बहुत चीप सी पैकेजिंग है, बट स्टिल हमारा काम तो अंदर के फेक नेल्स से है. ओके, तो फेक नेल्स की बात करूँ तो आई हैवन काउंटेड कि 100 नेल्स है या नहीं है, बिकॉज आई डोंट रियली हैव दैट मच टाइम एंड एनर्जी टू डू दैट. बट स्टिल नेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब आई रियली लाइक्ड द क्वालिटी ऑफ द नेल्स. प्लास्टिक के हैं एंड ऑफकोर्स दे आर शाइनी. एंड इसके साथ आपको जो है ये ग्लू मिलती है, ये ग्लू ब्रश वाली ग्लू है, मतलब जिससे आपको डायरेक्टली जैसे नेल पेंट होता है वैसे आप अप्लाई कर सकते हो. पीछे पैकेट के आपको थोड़ी डायरेक्शन दे रखी है कि कैसे ग्लू यूज़ करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना. लेट्स ओपन द ग्लू. ग्लू जब मैंने ओपन करी ना, इसके जो आगे की पैकेजिंग थी वो पूरी मतलब ऐसे घिसी हुई थी, एज यू कैन सी हियर, पूरी अजीब सी, यू नो इट्स टोटली रूइंड, अजीब सी हो रखी थी. आई वाज रियली स्केयर्ड कि ये एक्सपायर्ड ना हो, बट आई चेक्ड इट वाजंट एक्सपायर्ड एंड काफ़ी लिक्विडी सी ग्लू है. लेट्स ओपन इट एंड या लेट्स सी द ब्रश ऑफ दिस. तो बिल्कुल इसका जो ब्रश है वो बिल्कुल जैसे हम नेल पेंट लगाते हैं वैसा सा इसका ब्रश की टिप है. इट्स रियली नाइस, मतलब मेरे को तो ठीक लगा ये. एंड जो ग्लू है वो बहुत लिक्विडी है, इट्स नॉट थिक. एंड एज यू कैन सी ये मैंने अभी अभी पैकेजिंग से निकाला है. एंड इसकी क्वांटिटी कितनी है, इतनी क्वांटिटी की ग्लू आपको रिसीव होगी, मेरे को तो इतनी हुई थी. एंड पीछे आपको सारे कॉशन वगैरह दे रखे हैं कि बच्चों से दूर रखें, आँखों में ना डालें. सो या ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद अब बात करते हैं हमारे फ्रेंच टिप नेल्स की. नेल्स आर रियली नाइस, बहुत अमेजिंग है. नाउ लेट्स अप्लाई. अप्लाई करने से पहले ज़रूर से ध्यान दें कि आप अपने नेल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग अपना नेल्स जो फेक नेल्स है वो सेलेक्ट करें. बिकॉज होता क्या है, समटाइम्स ना हम अपना छोटे नेल्स लगा लेते हैं, मतलब कि जो फेक नेल्स है वो छोटे सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे जो ओरिजिनल नेल्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है. उसकी वजह से क्या होता है ना, आपके जो ओरिजिनल नेल्स है वो फेक नेल्स के साइज़ से थोड़े दिख रहे होते हैं, दैट डजंट लुक नाइस. तो सबसे पहले आप अपना नेल्स साइज़ चूज़ कर लो कि जो फेक नेल्स है वो आपके फिंगर टिप्स में बिल्कुल सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं. एज यू कैन सी मेरे को मेरी इंडेक्स फिंगर यानी सबसे स्टार्टिंग की जो फिंगर होती है उसका साइज़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा हैसल हुआ था. एंड हमेशा ही होता है क्योंकि मेरा इंडेक्स फिंगर के साइज़ मिलता नहीं है यूजुअली. सो मैंने अपने नेल्स अभी फ्रेशली कट किए थे तो मैं थोड़ा सा बफर कर रही हूँ. ऑलवेज यू नो बफर योर नेल्स ताकि जो आगे की शार्प टिप है वो थोड़ी सी हट जाए. एंड वोला वी आर डन. नाउ लेट्स ट्राई दिस ग्लू. मतलब मैंने जो मीशो से पहले भी नेल्स लिए थे ना उनको भी मैंने अप्लाई करा है, मतलब उसकी ग्लू मैंने अप्लाई करी थी, वो बहुत ही बेकार थी. मतलब इतना गर्म गर्म उसने मेरे नेल्स पे फील कराया था, बट इसने बिल्कुल नहीं किया. क्योंकि ये ब्रश वाले नेल्स हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसे क्यूटिकल्स तक टच करने की, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो. बट विद दिस प्रॉब्लम इसकी आपको देखो थोड़े टाइम के लिए आपको जो नेल्स है उसे पकड़ कर रखना पड़ेगा सो दैट वो स्टिक हो जाए. अदरवाइज मतलब एकदम तुरंत ही स्टिक होने वालों में से नहीं है ये ग्लू. थोड़ी देर के लिए आपको उसको पकड़ के रखना पड़ेगा सो दैट उसको टाइम मिले स्टिक होने का. ऑल्सो आप नेल पर ग्लू लगाने के बाद ऐसा ना सोचे कि लाइक दो सेकंड के लिए छोड़ देते हैं फिर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ड्राई होने के बाद अप्लाई करेंगे, बिकॉज जो ग्लू है वो ड्राई हो जाएगी एंड आपको नेल्स जो हैं आपके वो आपको अप्लाई नहीं होंगे आपके फिंगर्स पर. तो इसीलिए आप तुरंत ही ग्लू अप्लाई करें एंड उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप टिप पर उस पर फेक नेल्स रखें, थोड़ी देर को उसको पकड़ के रखें, थोड़ा प्रेस कीजिए एंड देन वाला इट्स डन, लग गए नेल्स. ग्लू मुझे ये वाली बहुत ही पसंद आई, मतलब इसने बिल्कुल भी मेरे नेल्स पे ऐसे गर्म गर्म अजीब सा फील नहीं कराया जैसे कि पिछली बार हुआ था मेरे साथ जो मैंने मीशो से नेल्स लिए थे उसकी ग्लू से. क्योंकि उस वक्त वो जो ग्लू थी वो थोड़ी अजीब टाइप की थी, बिल्कुल उसे बॉटल से निकालना पड़ रहा था, जैसे आई ड्रॉप की शेप होती है वैसी सी थी वो. बट दिस टाइम जो ये वाली ग्लू है ब्रश की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल फील हो रहा था और बहुत जल्दी भी नेल्स लग गए थे. विद इन लाइक 3-4 मिनट्स मैंने अपने सारे नेल्स अप्लाई कर लिए थे. ध्यान रखें आप ज़रूर से जो ग्लू की बॉटल, अगर आप ये वाला ग्लू यूज़ करें तो बहुत टाइट से इसे बंद करके रखें. अगर आपको ये वाला ग्लू नहीं यूज़ करना है, आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, देन प्लीज़ गो एंड चेक आउट माय अदर वीडियोस. मैंने आपको बता रखा है कि आप कौन सी दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ग्लू अपने फेक नेल्स को लगाने के लिए, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगी. देन मैं अप्लाई कर रही हूँ नेल पेंट. तो दिस टाइम आई हैव चूजन दिस लाइलैक कलर का नेल पेंट फ्रॉम जूट्स एंड लेट्स अप्लाई इट ऑन आर
नेल्स, मतलब सडनली यू कैन सी कि मेरे कितने छोटे छोटे नेल्स थे और कितना अजीब सा मेरा हाथ लग रहा था, बिल्कुल बच्चों जैसा, बट अब थोड़ा अच्छा फेमाइन लग रहा है. एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दीज नेल्स बिकॉज मैंने जो प्राइस पे किया है 165 rupees 100 pieces नेल्स का और ग्लू के साथ, वो भी दैट वॉज रियली अमेजिंग. मतलब इतनी क्वालिटी आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इन यू नो 165 rupees में, बट इट इज़ रियली नाइस एंड ग्रेट. मुझे एक्चुअल में नेल्स बहुत अच्छे लगे. लास्ट टाइम के जो मेरे नेल्स थे ना प्लास्टिक वाले, उसमें क्या दिक्कत होती थी कि वो ड्राई होने के बाद ना उसमें अजीब सा टेक्स्चर हो जाता था प्लास्टिक वाले नेल्स में, बट दिस टाइम ये वाले जो है इनमें जब मेरे नेल पेंट ड्राई हो गया था फेक नेल्स के ऊपर, तो बिल्कुल भी टेक्स्चर अजीब सा नहीं हुआ है. इफ़ यू कैन कंपेयर माय अदर वीडियो विद दिस वन, इस वाले नेल्स के साथ बिल्कुल भी नेल्स का जो टेक्स्चर है वो अजीब सा नहीं हुआ, बिल्कुल खुदरा खुदरा सा टेक्स्चर नहीं हुआ है, बिल्कुल जैसे नेल्स प्लास्टिक की और वो जो शाइनी टेक्स्चर था वो है. नाउ मेरी जो नेल पेंट है वो बिल्कुल मैट है, सो यू कैन सी बिल्कुल मेरे को मैट फिनिश मिल गई है मेरे नेल्स में, एंड माई हैंड इज़ लुकिंग रियली नाइस. अगर आपको बिल्कुल देखना है कि मतलब कैसे यूज़ करना है ग्लू को, वो आपको ग्लू के बैक पे जो पैकेजिंग है उसमें लिखा हुआ है. अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट एंड आई विल मेक इट अगेन. अंदर से भी यू कैन सी कि बिल्कुल भी अजीब से नहीं लग रहा है मेरे नेल्स, जब मैं अपना हाथ बिल्कुल सीधा कर रही हूँ बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है. माई हैंड्स आर लुकिंग रियली नाइस. अब मैं प्रेस करके आपको दिखा दूँ कि इसका मतलब निकलने का क्या है, कि निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, बट नहीं, ये नहीं निकल रहे हैं. और आई थिंक कम से कम एक दिन तक ये स्टे कर जाएंगे, अगर आपने अपना, एक दिन तो नहीं कहूँगी बट हाँ 6 to 4 hours दे कैन स्टे विद दिस ग्लू. अगर आप अपना हाथ मतलब नेल्स से कोई ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर रहे हो, संभाल के अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो ये इतनी जल्दी नहीं उखड़ेंगे आपके मतलब नेल्स से. नाउ आई वॉज ट्राइंग देखने का कि लाइक इज़ इट हर्टिंग और इज़ इट पेनफुल, बट इट वॉज नॉट, सही था. मैंने इसको रिमूव करके भी देखा है अपने हाथ से, बहुत आराम से रिमूव हो गया है. रिमूव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो गर्म पानी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पेन फील होगा या ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी कर लेना है, उसके अंदर अपने नेल्स आप थोड़ी देर सोक करके रख लीजिए, एंड उसके बाद ईजिली आपके नेल्स रिमूव हो जाएंगे. अगर आपको उसके लिए भी वीडियो देखनी है, मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखी है, यू कैन चेक इट आउट. यू कैन सी मेरे नेल्स एक्चुअली है कैसे और नेल्स फेक नेल्स लगाने के बाद कैसे लग रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देम. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.